हाय, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं दिखाऊंगा मोबाइल पावर बैंक एम्ब्रेन का जो है। अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसमें ख़ास कुछ इनबॉक्सिंग का के लिए है नहीं। मैंने बहुत दिन पहले ख़रीदा था, अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। आपको आज दिखाऊँगा कि आपको कैसे मिलता है और क्या क्या मिलता है इसके अंदर। ओके, कुछ आपको इस तरह से मिल जाता है बॉक्स में, अगर आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो। अब अंदर जाके देखते हैं इसमें है क्या। ओके, आपको कुछ इस तरह से रैप किया मिलता है। ये बस प्रोटेक्शन के लिए है, एयरबैग। ओके, आप देख सकते हैं एम्ब्रेन पावर बैंक मेड इन इंडिया, इंटर में तैयार किया हुआ है। और इसका जो मॉडल आईडी है वो है P-1000 ब्लैक, 10400 mAh का बैटरी है, पोर्टेबल चार्जर। 10400 बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपका फ़ोन अगर 2000 mAh का हो तो आप इसको 4 से 5 बार रिचार्ज कर सकते हैं। अगर 3000 mAh का बैटरी हो तो आप इससे 3-4 बार रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत देर तक चलेगा, बहुत ज़्यादा पावर है, 10400 mAh का। मैंने इसको ख़रीदा है 1099 रुपये में। कभी कभी इसका दाम बढ़ थोड़ा सा हट भी जाता है और कभी कभी बढ़ता भी है। तो आपको कुछ इस तरह से बॉक्स में मिल जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। ओके, आपको इसका एक पावर बैंक मिल जाता है, एक वारंटी बुक। और कुछ जैक और USB कनेक्टर। और इसके अंदर क्या है देखते हैं। ये एक कनेक्टर है और ये कुछ पिन, जैसे ये पिन है माइक्रो USB का, जो आपके फ़ोन के लिए है। किसी भी आप अगर सैमसंग का यूज़ कर रहे हो, इंटेक्स का यूज़ कर रहे हो, पैनासोनिक का यूज़ कर रहे हो, कुछ कुछ फ़ोन में यही पिन ज़्यादा होता है। और ये कनेक्टर जो यहाँ फिक्स होता है ये कनेक्टर पे। कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दो जैक दिया गया है आप देख सकते हो, इसमें दो USB जैक है, एक माइक्रो USB जो ये पावर बैंक को चार्ज करने के लिए है, और ये दो आउटपुट का है। इसका मतलब आप दो USB यूज़ कर सकते हो एक साथ, दो स्मार्टफोन रिचार्ज कर सकते हो, या फिर एक में लाइट जला रहे हो USB लाइट, एक में USB फैन, या फिर USB लाइट जल रहा हो और एक में आप फोन रिचार्ज कर रहे हो। यहाँ पे एक साइड बटन दिया गया है जो पावर ऑन ऑफ का है, और यहाँ पर एक LED लाइट भी दिया गया है, आप यहाँ से लाइट जला सकते हो। इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, मैं इसको करीब 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको चार्ज करने पड़ता है करीब 6 से 7 घंटा लगता है पूरा चार्ज होने में, कभी कभी ज़्यादा भी लगता है, 10-12 घंटा अगर ये पूरा ख़त्म हो गया हो तो। और सर्विस बढ़िया है, बहुत देर तक चलता है, रिचार्ज होता है। अब इसको डिस्प्ले ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा रहा है आउट लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आउटपुट का है। अच्छा, ये वाला है 1 एम्पियर का और ये वाला 2.1 एम्पियर का, मतलब इससे फास्ट चार्ज होता है। आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ओके, तो इस ये कुछ इस तरह से फिट हो जाता है, आप देख सकते हो जैसे मैंने जैक लगाया हुआ है ऐसे फिक्स हो जाता है। और दूसरा जो पार्ट है ये वाला माइक्रो USB पार्ट वाला, तो हम इसके अंदर इसके अंदर से लगा सकते हैं, जैसे ये माइक्रो USB का पोर्ट है।
ये पावर बटन दबाना है इसको, दो यहाँ पे जो कनेक्ट कर दिया है USB आउटपुट में, और यहाँ पे इस फ़ोन पे कनेक्ट कर दिया है। अब ये पावर बटन दबाना, देख सकते हो ये फ़ोन चार्ज हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देख दिख रहा है 5.0 वोल्ट आउटपुट, 1.0 एम्पियर। अब इसको ही हम दूसरे पॉट पे लगाते हैं। अब देख सकते हो, अब देखो ये चार्जिंग हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो ये आउटपुट 2.1 एम्पियर का दिखा रहा है। तो ये फास्ट चार्जिंग के लिए है वाला जैक है। अब इसको निकाल देते हैं, और ये वाला जैक भी निकाल देते हैं। अब ये बाकी का जो पिन है देखते हो, ये वाला जैक कभी कभी ब्रांडेड लिनोवो फ़ोन में लगता है। जैसे आप सऊदी से आप ख़रीदते हो लिनोवो का फ़ोन, तो वहाँ का लिनोवो का फ़ोन पे ये वाला चार्जर ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला पिन। और कुछ कुछ फ़ोन में ऐसा पिन भी यूज़ होता है, कुछ सोनी के फ़ोन पे, सोनी रिक्सन के फ़ोन पे, या फिर अलग कोई ब्रांडेड का फ़ोन में कभी कभी ये भी पिन लगता है। तब हम इसको देखते हैं ये किस फ़ोन पे काम आता है, इसको कनेक्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से फिट हो गया, और अभी कुछ इस नोकिया पुराना वर्सन का जो फ़ोन होता है उसमें ये पिन होता था। तो हम इसको चार्ज करके देखते हैं, पावर बटन ऑन करता हूँ। ये जो पावर बटन ऑन कर दिया, अब देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है, ये चार्जिंग हो रहा है ना। तो हम अभी इसको निकाल देते हैं, और इसी कुछ इसी तरह, और अब आप हर पिन को ऐसे जोड़ सकते हो और किसी भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अभी ये पावर बैंक और भी कई तरीके से यूज़ होता है, जैसे ये USB लाइट है। अब ये USB लाइट को अगर आपका फ़ोन OTG सपोर्टेड हो तो आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो OTG के द्वारा, और आप आपका पास पावर बैंक हो तो आप पावर बैंक से भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लगा देता हूँ, आप एक साथ दो जोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास दो जैक है, यहाँ पर USB ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए बेस्ट होता है। और एम्ब्रेन का जो सीरीज है बाकी पावर बैंक का, उसके साथ इसका ये डिफरेंस है कि इसमें एक डिस्प्ले मिल जाता है, LED डिस्प्ले, जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि इस पावर बैंक में कितना चार्ज है और ये कितना आउटपुट दे रहा है। और हम समय से पहले, इसके ख़त्म होने से पहले चार्ज भी कर सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं, जो बाकी के पावर बैंक में ऐसी सुविधा नहीं होता है। और आप देख सकते हो कि ये लाइट जल रहा है, USB लाइट। अब इसको जैसे चाहे फिक्स कर सकते हो, आप ऐसे रख दो टेबल पे, बढ़िया है। तो इसमें आप फैन भी यूज़ कर सकते हो, जो अभी नया नया मार्केट में आया USB फ़ैन, वो भी कनेक्ट करके आप हवा का मज़े ले सकते हो। आप एक लाइट भी यूज़ कर सकते हो, ये LED है इसलिए ज़्यादा चार्ज नहीं जाएगा, पावर ज़्यादा नहीं लगेगा, और बहुत अच्छा रोशनी मिलेगा। और ये है पावर बैंक का टोटल यूज़। और मैं बता रहा हूँ कि मैं इस मॉडल के साथ बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ये बहुत बढ़िया मॉडल है। आप अगर एम्ब्रेन का खरीदने के लिए जा रहे हो तो आप यही वाला मॉडल खरीदिए, बहुत 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 अच्छा है। इसका मॉडल नंबर है P-1000। आप देख सकते हो मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, पर अब इसका कलर का कुछ हुआ नहीं। इसका वाइट भी ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग के लिए। मेरा और भी ज़्यादा अच्छा बहुत सारे वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।